माय नेम इज गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग, आई होप आप सभी बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन और यूजी डबल ई एग्जामिनेशन के बारे में। तो गाइस काफी सारे स्टूडेंट मुझसे ये पूछ रहे थे कि भैया हमारा यूजी डबल ई का एग्जामिनेशन जो IIIT हैदराबाद के लिए होता है वो अब कंडक्ट करवाया जाने वाला है, तो क्या हमारा जेईई मेन भी पोस्टपोन नहीं होगा। वीडियो के अंदर मैं आपको इसी क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से पूरा जरूर देखना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप ये सोचते हो कि आपका यूजी डबल ई पोस्टपोन नहीं हुआ तो आपका जेईई मेन भी पोस्टपोन नहीं होगा, तो ये आपकी बेवकूफी है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला। अगर आपको मैं पहले एक बात बता देता हूँ, यूजी डबल ई के टोटल एस्पिरेंट जो होते हैं जो यूजी डबल ई के एग्जाम को देते हैं वो टोटल हर साल होते हैं लगभग आपके 50 से 60 हज़ार बच्चे, ठीक है 50 to 60 thousand बच्चे हर साल यूजी डबल ई का एग्जामिनेशन देते हैं। और वहीं पर अगर हम जेईई मेन की बात करें तो उसके नंबर तो आपको पता ही है लाखों में होते हैं, ठीक है। तो उससे कंपेयर तो कर ही नहीं सकते कि जेईई मेन और कहाँ यूजी डबल ई। यूजी डबल ई के अंदर बच्चे कम होते हैं, स्टूडेंट कम होते हैं, इसीलिए उनका एग्जामिनेशन इस टाइम करवाया जा सकता है। जिसमें से भी काफी सारे स्टूडेंट इस साल ऐसे होने वाले हैं जो ये सोच के यूजी डबल ई का एग्जाम देने नहीं जाएंगे क्योंकि उन्हें पता है कि हमारा जेईई मेन तो पोस्टपोन होने वाला है, तो हम अपना जेईई मेन में ही अच्छे रैंक ला के IIIT हैदराबाद में एडमिशन ले लेंगे। अगर उन्हें IIIT हैदराबाद में जाना है तो वो यूजी डबल ई का एग्जामिनेशन देने जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो ऐसे काफी सारे स्टूडेंट ऐसे होने वाले हैं जो यूजी डबल ई का एग्जामिनेशन नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। तो गाइस इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप ये सोचते हो कि आपका अगर यूजी डबल ई पोस्टपोन नहीं हुआ तो आपका जेईई मेन भी पोस्टपोन नहीं होगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जेईई मेन अब मैं यहाँ तक बोल सकता हूँ कि काफी ज्यादा चांसेस हैं, 99.9% चांसेस हैं कि आपका जेईई मेन भी पोस्टपोन हो जाएगा। अगर 0.1% बोल रहा हूँ मैं, MHRD मिनिस्टर में थोड़ा सा भी अगर यार मैं क्या बोलूँ तो जेईई मेन पोस्टपोन हो ही जाएगा, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जेईई मेन पोस्टपोन जरूर होगा। और आप लोग थोड़ा शांत रहें, पढ़ाई पे फोकस रखें, ठीक है। ज़्यादा एकदम एक्साइटेड होने की जरूरत भी नहीं है इतना अगर आपका एग्जाम पोस्टपोन हो जाता है, लेकिन आप लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ, अपना पूरा फोकस अपने एग्जाम पे रखो और दूसरी किसी भी बातों पे इतना ज़्यादा ध्यान मत दो। जो भी लेटेस्ट न्यूज़ होगी मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाले सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलता हूँ आपसे किसी अगली वीडियो में।